बरकातू, आज हम तवा गोश्त बना रहे। आधा किलो गोश्त है ये, दो के छान के देखो ऐसे टुकड़ों में हमने काटे। और ये दो प्याज है, दो टमाटर है, इसको चॉप करके लिए, इसको काट के लिए है। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, और एक चम्मच कुटा भुना जीरा है, एक चम्मच मटन मसाला है, और ये कोथमीर है थोड़ी सी, आधा चम्मच हल्दी है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेज है, आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर है, एक चम्मच कुटा भुना धनिया है और धरधरा पिसा हुआ, एक नींबू का रस है, और इतनी मिर्ची है, स्वाद अनुसार नमक है। मिर्ची आप टेस्ट के हिसाब लो, हिसाब से लो, और नमक आप टेस्ट के हिसाब से लो। दो चम्मच हमने इसमें से तेल डालेंगे, बड़े भर भर की हमने देखो एक चम्मच भर के तेल डाले, एक चम्मच बाद में डालेंगे तवे पे। और चार लौंग लिए हैं, चार काली मिर्च लिए, चार इलायची फोर के लिए अभी डाले इसके अंदर। इसके साथ देखो इसमें से मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी, थोड़ी बाद में डालेंगे, अच्छा तीखा चटपटा बनाएंगे। अभी हम प्याज डालेंगे इसमें, इसमें हमने अक्खा जीरा नहीं लिए हैं, क्योंकि हमने कुटा भुना जीरा लिए हैं, इसमें नहीं लेते अक्खा जीरा। अभी इसमें इसके साथ नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अभी इसको कांदे को कलर बदली होने तक, नरम करने तक भुनेंगे, बाद में बताएं। ये देखो प्याज हो गया, अभी नरम हो गया प्याज, इसमें ज़्यादा प्याज को लाल नहीं करते। अभी देखो हमने टमाटे डाले, अभी टमाटे को भी गोश्त के साथ गलेगा, ज़्यादा ये नहीं करने की, वो गोश्त के साथ गलेगा। अभी हम पहले गोश्त डालेंगे ये देखो, और फिर सब मसाले डालेंगे जल्दी जल्दी। गोश्त को जरा भूनेंगे, काटा प्याज के अंदर भूनेंगे, और भूनने के बाद जरा ढक्कन रख के उसके बाद मसाले डालेंगे। गोश्त भून के हो गया, अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसको भी अच्छे से भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भून के हो गया, अभी सब फटाफट हम मसाला डालेंगे। आपको मसाले हम बता चुके हैं, मिर्ची पहले डाल चुके हैं, अभी इसको अच्छा पकाएंगे, जरा गोश्त का पानी सुखाएंगे, और गोश्त को निकाल के कुकर में दो सीटी लेंगे। ये देखो फर्स्ट क्लास मसाला भी हो गया है, ऐसा ये ज़रा टमाटा प्याज रखा कर रखने का, पूरा भुनने का नहीं। अभी देखो अभी इसमें हम प्लेट लिए हैं, अभी ये बोटी ना इसमें निकालेंगे, हाँ, और कुकर में डाल के दो सीटी लेंगे, हाँ, फिर आपको तवे पे भून के बताएंगे, हाँ, यही मसाला लगाएंगे। ये देखो हमने दो सीटी लिए, हो गया। अभी हम इसको तेल डाले एक चम्मच, पहले एक चम्मच डाले थे, अभी ये देखो एक चम्मच तेल डाले। अभी हम ये तेल को तवे के अंदर ये गोश्त को भून रहे, अभी इसको भूनेंगे, और उसके बाद अच्छा भूनने के बाद फिर वो मसाला जो निकाले हैं ना, मसाला टमाटर का प्याज का, तो सब मसाला इसमें डाल के अच्छे से पूरा सूखने सब भुनेंगे। तवा गोश्त बना रहे हैं ना इसके लिए, अभी ये मसाला डालेंगे। देखो इसमें जगह नहीं हो रही है, ज़्यादा हो गया ना, आधा किलो गोश्त था ना, पाव किलो गोश्त का तवा। ये देखो फर्स्ट क्लास तवा गोश्त बन के तैयार है, ये देखें एकदम फर्स्ट क्लास पक्का। अभी इसके अंदर हम नींबू का रस डालेंगे,
थोड़ी सी तीखा लगने के लिए थोड़ी मिर्ची डालेंगे। अभी उसको थोड़ा हिलाएंगे और फिर आपको बता रहे सब कुछ। चटपटा तवा गोश्त एकदम फर्स्ट क्लास बन के तैयार है। ऐसा टेस्टी टेस्टी बनाओ, टेस्टी टेस्टी खाओ। अगर मैं किचन की रेसिपी आपको अच्छी लगी, मैं किचन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल बजाओ, तो मेरी रोज नई नई रेसिपी आपको देखने को